नमस्कार, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहित खान। आर अश्विन का प्रदर्शन न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार रहा था। न्यूजीलैंड के खिलाफ हाल ही में ख़त्म हुई टेस्ट सीरीज में आर अश्विन को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी मिला। अश्विन ने सीरीज में दो मुकाबलों में कुल 14 विकेट झटके और कानपुर टेस्ट में दोनों पारियों में अहम रन भी बनाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज में गेंद से शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय टीम के सबसे अनुभवी स्पिनर गेंदबाज आर अश्विन को लेकर अब इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टीव हार्मिसन ने बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस बात की काफ़ी कम उम्मीद है कि भारतीय टीम के आगामी साउथ अफ्रीका दौरे पर आर अश्विन को एक भी टेस्ट मैच खेलने का मौका मिले। आर अश्विन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 11.35 की इकोनॉमी के साथ 14 विकेट हासिल किए थे। इसके अलावा अश्विन ने इस सीरीज़ में बल्ले से कमाल दिखाते हुए 70 अहम रन भी बनाए थे। लेकिन हार्मिसन के अनुसार विराट कोहली की कभी भी कप्तानी को देखते हुए ये कहना बेहद कठिन काम है कि अश्विन को अफ्रीका दौरे पर एक भी टेस्ट मैच खेलने का मौका मिलेगा। वहीं स्टीव हार्मिसन ने यह भी कहा कि अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा का मौजूदा समय में ख़राब फॉर्म होने के बावजूद वे इस टेस्ट सीरीज़ में खेलते हुए दिखाई देंगे। स्टीव हार्मिसन ने अपने यूट्यूब चैनल के जरिए कहा कि समस्या ये है कि जब आप इस समय संभावित भारतीय टीम को लेकर विचार करेंगे तो कोहली के अनुसार तो उनकी सोच को समझना होगा, क्योंकि हम में से कोई भी ये नहीं सोच सकता कि अश्विन को इंग्लैंड के पिछले दौरे पर एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिलेगा। आप कभी नहीं समझ सकते कि विराट कोहली बतौर कप्तान आखिर क्या सोचते हैं। और हार्मिसन का मानना तो यही है कि साउथ अफ्रीका दौरे पर आर अश्विन हमें एक भी टेस्ट मैच खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया के साथ।